नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था, पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, मतलब कहने के लिए स्पेसिफिकली उसके लिए था, लेकिन इसमें जो जो प्रश्न हैं वो मतलब बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, लेकिन स्टिल जो सब इंस्पेक्टर है पेपर उसके लिए जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो तो हम इसमें इंक्लूड कर ही रहे हैं। तो इसलिए उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं वो फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने पिछले वाला सेशन बाई चांस देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपके सजेशन हो, वो हमें ज़रूर दीजिए। तो आज हम नए प्रश्न के साथ आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, चार विषय हैं आज, वर्तनी, असंगत शब्द, गद्यांश की व्याख्या और निबंध लेखन। जैसा आप सभी जानते हैं, निबंध लेखन तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक है ना। उसके बाद है गद्यांश की व्याख्या। पिछले वाले सेशन में हमने एक पद्यांश की व्याख्या की थी, कविता की व्याख्या की थी, तो आज हम एक गद्यांश की व्याख्या करेंगे। फिर है जैसे कि वर्तनी। आप जानते हैं सभी इंस्पेक्टर में आपको कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं आते हैं, सिर्फ आपको प्रश्न दे दिया जाता है कि ये पांच शब्द हैं इनकी सही वर्तनी लिखिए, या फिर निर्देश में ये दिया जा सकता है कि इनका शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखने का मतलब यही है कि उन्हें करेक्ट करके लिखना है, और वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं कि वो शब्द अपनी गलत ही वर्तनी में हो सकता है आपको सही वर्तनी दी गई हो, आपको मतलब फिर वही रिपीट करके लिख देनी है। लेकिन ये देखा गया था कि 2019 में एक प्रश्न आया था असंगत शब्द, कहने के लिए केवल 2.5 मार्क्स का था, लेकिन यू नेवर नो। आपने देखा था कि जब हमने आपको पिछले वीडियो में एनालिसिस दिखाया था, 2018 और 2019 में ही कितना चेंज आ गया था, तो उसी प्रकार फिर इस बार भी बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है पैटर्न में, ठीक है ना। तो जो असंगत शब्द है, असंगत मतलब जो उसकी संगति का नहीं है, जो मतलब उन जैसे चार विकल्प, ये विकल्प वाला प्रश्न था। बाकी सारे जो प्रश्न थे वो आपके मतलब इस तरह से थे कि एक शब्द दिया है उसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है, केवल ये एक प्रश्न था जिसमें आपको केवल एक विकल्प चुनना था, कुछ लिखना नहीं था। तो कहने के लिए एक आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी था। क्यों? क्योंकि आपको निर्देश में केवल इतना था कि दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब असंगत किस प्रकार से, आपके पास चार विकल्प हैं, अब वो कुछ नहीं पता आपको, पर्यायवाची विलोम शब्द के आधार पर है, उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर है, समास के आधार पर है, किस चीज़ के आधार पर है, तो उसमें फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसमें थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस ही फिर चाहिए होती है, या फिर इस प्रकार से भी अलग हो सकते हैं कि ये संज्ञा है, ये विशेषण है, कि मतलब तीन शब्द संज्ञा के दिए हैं, एक विशेषण का दिया है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो वो आपको प्रश्न देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि निर्देश आपको हमेशा सही से पढ़ना है, क्योंकि निर्देश में जैसे आपको दिया होता है कि ये शब्द है इसके दो दो पर्यायवाची लिखिए या तीन तीन पर्यायवाची लिखिए, तो इसलिए निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। चलिए तो प्रश्न प्रारंभ करते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका। ये आपके पास 10 शब्द हैं, ठीक है ना, इसका आपको इसकी आपको सही वर्तनी लिखनी है, शैया, स्थाई, ऊर्ध्व, ठीक है ना, 46, 54, चिन्ह, पंडित, अत्योक्ति, उपलक्ष और सहस्त्र। ये सारे शब्द जो है मुझे लगता है कि आपने अच्छे से सुने हुए, कोई भी ऐसा नया शब्द नहीं है जो कि आपने ना सुना हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये 10 शब्द हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, फटाफट आप इसे सॉल्व कीजिए। और विकल्प मैं याद रखिए, विकल्प इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि पेपर में इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ था, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि विकल्प नहीं दिया हुआ तब भी आपको सही से लिखना मतलब कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए, सही वर्तनी। और हिंदी में वर्तनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसका उच्चारण, तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो फटाफट मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, लिखिए इसका एक बार। कोशिश कीजिए जितना सही हो सकता है उतना कीजिए, और कभी कभी देखिए थोड़ा सा एक अंतर ये पड़ जाता है, जैसे कि पेपर में हम किसी शब्द को आधा किस प्रकार लिखते हैं, मतलब इंटरनेट पे टाइप करते वक्त वो हम किसी और तरीके से लिखते हैं, और हाथ से लिखते वक्त किसी और तरीके से लिखते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है, तो उसकी चिंता मत करिए आप। मैंने वर्तनी सही होनी चाहिए, कौन सा जो वर्ण है वो आधा है, कौन सा पूरा है, कौन सा सही वर्ण है, कौन सा गलत वर्ण है, बस ये सब चीज़ें हैं। चलिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आप अपने एंड पर सही से कर रहे होंगे, फिर हम डिटेल में करेंगे। और बाकी खैर ये वीडियो ही है, ऐसा लाइव नहीं, तो इसलिए मैं आशा करूंगी कि आप वीडियो पॉज करके वो चीज़ करेंगे। तो अब इसके उत्तर भी देख लीजिए। सबसे पहला शब्द है शैया, आपने सुना होगा शरशैया पर चले गए वो, तो या फिर वो अपनी शरशैया पर पड़ा है। शैया मतलब क्या होता है वैसे तो, कि बेड, ठीक है ना, और शरशैया मतलब कि जैसे आपका जो मृत देह होता है, जैसे अपनी चिता पर, तो शैया।
अब जैसे होता है ना भैया, भैया जब हम लिखते हैं तो भ, भ को छोटी की मात्रा य या नहीं लिखते हैं, लेकिन उसे इस प्रकार से लिखते हैं, भ के ऊपर ए की मात्रा और या। लेकिन अब शैया, वो भी उसी प्रकार है, लेकिन उच्चारण मतलब बिल्कुल समान है, लेकिन इसकी वर्तनी भिन्न है। तो शैया जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, श आधा य और या। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आपको अंतर रखना है कि जैसे अब है कव्वाली, अब कव्वाली में व आधा व और पूरा व आता है, लेकिन हम कहेंगे कौवा, अब कौवा में व और वा नहीं आएगा, उसमें कौ मतलब लिखने में औ की मात्रा आती है। तो ये वर्तनी के कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो शैया की जो सही वर्तनी है वो भी हम आपको लिख के बताएंगे कि जैसे श आधा य और या, उसी प्रकार है स्थाई। अब ये ना कहीं पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो कहाँ पर होती है, आपने देखा होगा अक्सर जो हम लिखते हैं ना जैसे वो चली गई, अब गई में ग के साथ य को बड़ी की मात्रा लगाई जाए या केवल ये बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग किया जाए। तो होते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसमें दोनों प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे स्थाई, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी वर्तनी में य के साथ बड़ी ई ही आएगी और कुछ के साथ केवल बड़ी ई ही आएगी। तो स्थाई उन शब्दों में है जिसमें य के साथ बड़ी ई आएगी स्थाई रूप से, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जब आप हिंदी में बोलते हैं कि ये स्थाई रूप से स्थगित हो गया है, लेकिन ऐसे नहीं, स्थाई य पे फोकस होता है वहाँ पे स्थाई रूप से। फिर है उर्ध्व, इसकी जो इसका जो उच्चारण होगा हम कहते ना उर्ध्व, ये उधर्व नहीं है, उधर्व अगर होता, क्योंकि उधर्व अगर है तो ध र से पहले आ रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो र होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये जिस भी वर्ण से जैसे है पहले बोला जाए, ठीक है ना, ये उसके ऊपर आएगा, जैसे उर्ध्व, तो ये उर्ध्व है तो र ध से पहले बोला गया, लेकिन ध स्वयं आधा है तो उसके बाद जो भी पूरा वर्ण होगा उसके ऊपर ही आएगा, तो उर्ध्व, और उर्ध्व में छोटा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ आएगा। फिर है 46। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सबसे पहले हमें हिंदी की पूरी गिनती ही नहीं आती 100 तक, ठीक है ना, वैसे तो गिनती तो मतलब कि अगणित है लेकिन जो हिंदी की गिनती अगर हम कहें कि 100 तक ही सही, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बार उसकी सारी वर्तनी देख जरूर लीजिएगा। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो वर्तनी में मैंने 1 से लेकर 100 तक पूरी गिनती आपको दी हुई है, वर्तनी सही वर्तनी उसकी। तो 46 हम बोलने में बोल देते हैं कि इतने 46 आए, कईयों को तो वो भी नहीं पता होता है कि 46, 56 मतलब कितने होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका क्या होता है 46, 46 छः को छोटी की मात्रा 46 उस प्रकार से। फिर है 54, अब 54, 55 क्या होता है, ठीक है ना, आपका 54, 55, 555 वहाँ से याद रख लीजिएगा 555। वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं पता तो उसे किसी ना किसी ट्रिक से याद कर लेना चाहिए, तो वो 55 वहाँ से याद कर लीजिए, 55 मतलब 55 तो 55, तो उसी प्रकार 54 याद रखिएगा उस प्रकार से। तो ये देखिए, ये है इसकी अब आपकी सही वर्तनी। शैया इस प्रकार से लिखा जाएगा स्थाई, ऊर्ध्व बड़े ऊ की मात्रा आएगी, 46 जैसे कहते हैं ना 40, 45, 46 तो ये लीस, तो ये आपका आएगा 46, 40, 41, 42, 43, ठीक है ना, तो उसमें ये लीस बड़ी ही की मात्रा आएगी और छः के साथ छोटी की मात्रा आएगी, और 54 जो है वो बिल्कुल अपनी सही वर्तनी में था, तो इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दिया। यही मैं आपको दिखाना चाहती थी, कभी कभी सही वर्तनी भी लिख दी जाती है, लेकिन खैर पेपर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सही वर्तनी आपको लिख कर दे, बट चांसेस हैं। तो ये इसकी सही वर्तनी है। फिर आता है चिन्ह, पंडित, अत्योक्ति, उपलक्ष और सहस्त्र। अब चिन्ह, ये तो मैंने देखा है, मतलब एक दो जगह इंटरनेट पे भी गलत दिया हुआ है, अमेजिंग, क्योंकि जो चिन्ह है, चिन्ह उसमें ह आधा आएगा और न बाद में आएगा, ह पहले बोला जाता है न बाद में बोला जाता है, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है चिन्ह, तो ह पहले बोला जाता है, तो इसलिए ह आधा होगा और न मतलब पूरा होगा, तो न बाद में आएगा। फिर पंडित, अच्छा आपको अगर अनुस्वार वाला वर्ण व्यंजन आपने अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें आपको याद रखना चाहिए कि जो पंचमाक्षर है न ण न म, तो जहाँ पर अनुस्वार होता है ना, तो कैसे पता लगाया जाए कि अनुस्वार की जगह जो पंचमाक्षर है वो कौन सा है, वो पंचमाक्षर के बाद वाला वर्ण होता है ड, तो ड किस वर्ग का है, ट वर्ग का, ट ठ ड ढ ण, तो वहाँ पे न नहीं आएगा। या तो पंडित की भी दो वर्तनी हो सकती है, या तो ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, या फिर अगर अनुस्वार नहीं लगाना तो न की जगह ण ये वाला आएगा, आधा, जो ये वाला ण आता है ना, ये वाला आधा आएगा।
फिर है अतियोक्ति, ठीक है ना। तो ये अब इसकी सही वर्तनी क्या होगी वह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसे अगर आप तोड़ेंगे इसका मतलब क्या होता है, अति उक्ति, अति उक्ति कि जब हम बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जैसे अतिशयोक्ति होता है ना वैसे ही अतियुक्ति भी होता है। फिर है उपलक्ष्य, हम कहते हैं ना आज हमने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया है, उपलक्ष्य में हम बोलते हैं उपलक्ष्य है लेकिन वो उपलक्ष्य होता है लक्ष्य, जैसे हम कहते हैं ना हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है टारगेट, उपलक्ष्य। फिर है सहस्त्र, अब सहस्त्र, सहस्त्र मतलब सौ, लेकिन सहस्त्र में हमें हमेशा लगता है कि यही सही वर्तन है कि स ह आधा स और त्र, लेकिन क्या है ना सहस्त्र में जो ये आधा स है उसका जो त्र है वो पूरा इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा अभी आप देखिए। अब देखिए जैसे चिन्ह में ह आधा था फिर ये न पूरा, तो ये देखने से मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि ह पूरा है जबकि ये ह आधा है और बाद में ये जो न है ये यहाँ पर पूरा है। फिर पंडित में मैंने आपको कहा चाहे ऐसे लिखिए अनुस्वार के साथ या फिर अगर खोल कर लिखना है तो ऐसे लिखिए, ये आधा ण न नहीं आएगा। फिर है अतियुक्ति, अतियोक्ति नहीं आएगा, अति जमा उक्ति, अति जमा उक्ति ई और ऊ मिलकर यू अतियुक्ति, ठीक है ना, ई का य बन जाता है अतियुक्ति, अतियोक्ति नहीं आएगा। फिर है उपलक्ष्य नहीं आएगा, उपलक्ष्य आएगा लक्ष्य, जैसे कहते हैं ना लक्ष्य मतलब टारगेट, उपलक्ष्य मतलब कि छोटा लक्ष्य, कि छोटा सा जो लक्ष्य है उपलक्ष्य। फिर है सहस्त्र, अब ये देखिए सहस्त्र में आधे स के साथ ये केवल इस तरह, ठीक है ना, ये त्र जस इस तरह आएगा, ये तो त और र उस प्रकार से लिखा जाता है लेकिन ये सहस्त्र ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये वर्तनी जो है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए अब आता है असंगत शब्दों वाला जो है आपका प्रश्न, पांच प्रश्न आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे चार चार विकल्प हैं और निर्देश क्या है, दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द छांटिए। अब ये सारा आप पर है, आप किस तरीके से चारों में से असंगत शब्द छांटते हैं, किस आधार पर छांटते हैं ये उससे भी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, जरा फटाफट करिए। जैसे पहला ऑप्शन मतलब पहला जो प्रश्न है, प्रत्येक, काला, प्रतिनिधि और थोड़ा, अब इन चारों में से कौन सा शब्द है जो सबसे भिन्न है और किस आधार पर आप भिन्नता जो है वो निर्धारित करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और याद रखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रा बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने ये एक प्रश्न खुद ही बनाए हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे प्रश्न से मतलब कि आपको संतोष नहीं हुआ है, आपको लगता है कि नहीं मैम इस प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता था क्योंकि असंगति का आधार ये भी हो सकता है, तो प्लीज़ मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे मैंने प्रश्न बनाया जिस तरीके से बनाया उस वक्त मैं क्या सोच रही थी वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हो सकता है बाई चांस, वैसे तो मैंने पूरा मतलब प्रयास किया है कि कोई और तरीका ना हो जिससे असंगति हो, इनडिफरेंस आए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई भिन्नता छांट ली है तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो जो भिन्नता का आधार है वो आपने गलत चूज़ किया हो, तब मैं आपको फिर सही चीज़ बता सकती हूँ कि नहीं ये आधार आपको कभी नहीं माना, और अगर आपने सही लिखा है तो फिर वहाँ पे मैं शेयर कर सकती हूँ डेफिनेटली, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आई गेस वीडियो ये है तो आप पॉज करके इसका पहले तो स्वयं से प्रयास कर सकते हैं, हम सीधा समाधान पर आते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्येक, काला, प्रतिनिधि और थोड़ा, अब यहाँ पर क्या है इन चारों में आपको क्या लग रहा है, अब प्रत्येक, काला, थोड़ा, इन सब में कुछ ऐसा तो है नहीं कि ये सारे समानार्थी और कोई एक अलग अर्थ वाला हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा उपसर्ग प्रत्यय में भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा क्योंकि काला में कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है, थोड़ा में कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। हाँ प्रत्येक में है, प्रतिनिधि में भी है, लेकिन दो में है, दो में नहीं है, तो उसे कोई एक अलग नहीं होता है। लेकिन अब ये देखिए प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति, तो ये मतलब उस दृष्टि से प्रत्येक जो है वो एक विशेषण शब्द है, प्रत्येक आपका ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। फिर है काला, काला जो है वो आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। थोड़ा, थोड़ा हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा शब्द है, वो विशेषण नहीं है। तो इसलिए ना उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर था, ना समास के आधार पर था, ना ही पर्यायवाची विलोम शब्द के आधार पर था, तो किस आधार पर था, ये आपका संज्ञा सर्वनाम के आधार पर। तो इसमें केवल एक शब्द संज्ञा है, बाकी तीन जो हैं वो आपके विशेषण हैं, तो भिन्न कौन सा हुआ शब्द, तीसरा विकल्प, तो ये आपका सही उत्तर था। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष, उत्कृष्ट, हस्ताक्षर और 59, अब इसमें देखिए किस आधार पर आप भिन्न शब्द छांटेंगे।
अब यहां पर देखिए प्रत्यक्ष प्रति जमा अक्ष, ठीक है ना। सबसे पहले मैं तो कहूंगी असंगति में हमेशा सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय का आपको मापदंड जो है वो अपनाना चाहिए। प्रति जमा अक्ष, ठीक है ना, प्रति उपसर्ग है। उत्कृष्ट उत्त जमा कृष्ट, जैसे उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट, तो वहां से कभी कभी आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसमें उत्त उपसर्ग है। तो दैट मीन्स कि पहले दो शब्दों में हमें मिल गया कि उपसर्ग है। अब आते हैं तीसरे अक्षर पर, हस्ताक्षर हस्त जमा अक्षर। अब आप ये बताइए हस्त जो है वो यहाँ पर उपसर्ग है या एक पूरा शब्द है। यहाँ पर आपको एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे है उनसठ, उनसठ में उन उपसर्ग है, वो एक प्रॉपर शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मतलब है एक कम, जैसे उनसठ साठ, उनतीस तीस, उनतीस मतलब तीस में एक कम, तो ये जो उन है ये भी उपसर्ग ही है। लेकिन हस्ताक्षर जो है उसमें हस्त जो है वो एक उपसर्ग के रूप में प्रयोग में नहीं लाया गया। ये जो शब्द है ये एक सामासिक शब्द है, यह हम कह सकते हैं यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या होता है? जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, जैसे विद्यालय विद्या जमा आलय। अब आप ये नहीं कह सकते विद्यालय में विद्या उपसर्ग है या आलय प्रत्यय है, बिल्कुल नहीं। वो एक यौगिक शब्द है जिसमें दो सार्थक शब्द हैं जो आपस में जुड़े हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, उत्कृष्ट में उत उपसर्ग है और उनसठ में उन उपसर्ग है। तो सबसे भिन्न कौन सा हुआ? तीसरा, क्योंकि उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये एक यौगिक शब्द है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, स्वाधीन स्वराज स्वेच्छा और स्वागत। फिर वही चीज, सबसे पहले आपका मापदंड उपसर्गीय प्रत्यय होना चाहिए, फिर अगर ना मिले तो दूसरे पर्यायवाची विलोम शब्द देखिए। तो जैसे अब ये देखिए, सब में आप देख रहे होंगे स्व 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 सब में है, लेकिन अब अंतर क्या है ये देखिए। स्वाधीन स्व जमा अधीन या अधीन, सॉरी स्व जमा अधीन यानी अपने अधीन, तो इसमें स्व उपसर्ग है स्व। फिर है स्वराज यानी कि अपना राज, तो स्व उपसर्ग है। स्वेच्छा स्व जमा इच्छा अपनी इच्छा, तो यहाँ पर भी स्व उपसर्ग है, लेकिन अंतर कहाँ पर है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, स्वागत। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि मैम ये तो स्व जमा आगत स्वागत, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाकी तीन शब्दों में स्व उपसर्ग का मतलब था जो अपने लिए निजीपन के लिए जो है वो प्रयोग में लाया गया था, कि स्वाधीन स्वराज स्वेच्छा कि अपना शासन अपने अधीन अपनी इच्छा। लेकिन स्वागत का मतलब क्या होता है? कि कोई आया है तो हमने उसका स्वागत अच्छे से किया है, तो यहाँ पे कभी भी स्वागत में स्व उपसर्ग नहीं होगा, इसमें सु उपसर्ग होगा, सु जमा आगत स्वागत। तो इसलिए सबसे जो भिन्न था वो आपका चौथा विकल्प था, ये याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न, त्रिनेत्र त्रिलोक त्रिकाल और त्रिमास। अब यहाँ पर देखिए, आप कहने के लिए यहाँ पर सभी में त्रि उपसर्ग है, त्रिनेत्र त्रिलोक, त्रिनेत्र तीन आंखें, त्रिलोक तीन लोक, त्रिकाल तीन काल, मतलब कि भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल, और त्रिमास मतलब तीन महीने। अब उपसर्ग तो इसमें सब में समान है, सबका अर्थ भी एक है, अब किस आधार पर करें? अब आइए यहाँ पर समास के आधार पर। त्रिलोक यानी तीनों लोक, तीनों लोकों का समाहार, ये आपका द्विगु समास है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है, तीनों लोकों का समाहार यही एक अर्थ है। त्रिकाल यानी कि तीन कालों का जो समाहार, कि भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल, कोई और काल नहीं होता, तो ये भी आपका द्विगु समास के ही अंतर्गत आएगा। फिर आता है त्रिमास, तीन महीनों का या तीन मासों का समाहार, तीन महीनों का समय, तो ये भी आपका द्विगु समास के ही अंतर्गत आएगा। लेकिन त्रिनेत्र जो है, त्रिनेत्र क्या हम हर एक को त्रिनेत्र बोलते हैं? नहीं, त्रिनेत्र स्पेसिफिकली हम शिवजी जी के लिए प्रयोग में लाते हैं कि त्रिनेत्र की पूजा कर रहे हैं, त्रिनेत्र शिवजी जी के लिए आता है, तो ये द्विगु होने के बावजूद ये बहुव्रीही समास है इसमें, क्योंकि इसमें दिए गए शब्द से अन्य अर्थ निकल रहा है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। दोनों ही पद जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कोई तीसरा जो पद है, तीसरा जो अर्थ है वो प्रधान है, दोनों पद अप्रधान है। तो इसलिए जो सबसे भिन्न है वो आपका पहला विकल्प है। और अगर अंतिम देखिए, औरत अंगना महिला और इंदु। अब यहाँ पर आप आएंगे समझ ही गए होंगे, यहाँ पर पर्यायवाची के आधार पर है, औरत अंगना महिला और इंदु, इन चारों में से तीन शब्द जो हैं वो औरत या महिला के मतलब पर्यायवाची हैं, क्योंकि औरत और महिला से आप समझ ही गए होंगे कि औरत का ही पर्यायवाची है, जैसे स्त्री नारी ये सब, भार्या। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे भिन्न कौन सा है,
और जहाँ तक मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स अंगना को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि अंगना उन्हें लगता है आंगन, अंगना, तो उन्हें लगता है जो अंगना है उसका मतलब होता है कि आंगन, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भिन्न है वो है इंदु, क्योंकि इंदु महिला का पर्यायवाची नहीं है, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा को कहा जाता है इंदु, तो इसलिए सही विकल्प है आपका चौथा विकल्प, अंगना, अंगना। जैसे कहते हैं ना भार्या, भार्य, भार्या, तो अंग की एक सुंदर स्त्री जिसका अंग अंग बहुत सुंदर है उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है, एक मतलब सुंदर स्त्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है अंगना। तो इसलिए याद रखिए यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं है, अनुनासिक नहीं है, अनुस्वार है, याद रखिए इस चीज़ को। तो अंगना जो है ये भी महिला का ही पर्यायवाची है, तो इसलिए चौथा विकल्प आपका सही विकल्प है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो थे थोड़े से मतलब व्याकरण के सीधे सीधे प्रश्न। अब जो दो प्रश्न हैं वो थोड़े से लंबे हैं, क्योंकि गद्यांश की व्याख्या है और निबंध है, तो वो थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब गद्यांश की व्याख्या, एक छोटा सा गद्यांश ही आपको आएगा, बहुत बड़ा गद्यांश नहीं आएगा, लेकिन व्याख्या कैसे करनी है और कितनी लंबी करनी है फिर वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़। तो सबसे पहले तो पढ़िए, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। तो बहुत आसान है, मतलब कि गद्यांश है मतलब क्रोध पे आया हुआ है, तो उस पर आप थोड़ा समझ भी सकते हैं इजीली और लिख भी सकते हैं। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। आई गेस भाषा बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है कि हाँ एक को गुस्सा है तो सामने वाले को भी उसका गुस्सा देखकर गुस्सा आ जाता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। होता है ना कि जैसे अगर हम किसी पे क्रोध करें तो उसे लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, सामने वाला मुझ पे गुस्सा कर रहा है, तो उसकी भी फिर क्या कहते हैं मतलब दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। त्योरी चढ़ना मतलब कि गुस्सा आ जाना, कि मतलब उसका भी पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आना। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बिंदु है कि यहाँ तक तो अभी हम पढ़ रहे थे कि क्रोध का एक सामान्य रूप जो हम सभी देखते हैं, क्योंकि जो क्रोध है वो हमारी शांति भंग कर देता है, जो क्रोध करने वाला है वो जिसका क्रोध करते हैं, जिस पर क्रोध करता है उसको भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि वह अपमान का अनुभव करता है तो उसका भी पारा चढ़ जाता है, गर्म हो जाता है वो, दिमाग गर्म हो जाता है उसका। लेकिन उस समय ये सोचने वाले बहुत कम होते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वो उचित है या अनुचित। दोनों हो सकते हैं, कि जैसे बाई चांस कोई गुंडा है, ठीक है ना, वो आप पे गुस्सा करे कि चल हफ्ता निकाल, ठीक है ना, तो वो गुस्सा गलत है, लेकिन तब तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन अगर कोई शिक्षक है या आपके अभिभावक हैं, आपके माता पिता हैं, आप पर गुस्सा कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, अगर वो सही बात पर क्रोध कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो जैसे वो कह रहे हैं कि तुम तब से टीवी देखे जा रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं करे, तो आपको उस वक्त शांत रहना चाहिए। या फिर आपका कोई ऑफिस का आपका मतलब सीनियर आपसे बड़ा है, वो आपको डांट रहा है कि आपने काम सही से नहीं किया, तो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी गलती हो इसलिए वो डांट रहा हो, या फिर आपकी गलती ना हो लेकिन कंपनी को इतना नुकसान हो गया है जिसके कारण वो थोड़ा सा भी अशांत है, इसलिए गुस्से में आकर उसने ऐसा बोल दिया, उसकी मंशा जो है, ठीक है ना, उसकी नीयत जो है वो बुरी नहीं है। उस समय भी मतलब ऐसा नहीं कि अगर सामने वाले की आपकी गलती नहीं है तब आप फिर गुस्सा करें कि मेरी तो गलती नहीं है, अगर आपकी गलती नहीं भी है तब भी आप परिस्थिति के अनुसार चलिए। तो यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है, इसी से धर्म नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। तो यही अगर क्रोध के हम सही स्वरूप को समझें, क्रोध को संतुलित करना सीखें, तो उसी से सही धर्म नीति और शिष्टाचार की पहचान होती है। वही हमारे शिष्टाचार को निर्धारित करते हैं कि ये कितना शिष्ट व्यक्ति है, कि क्रोध को किस प्रकार संतुलित कर पाता है, ठीक है ना। तो ये इस गद्यांश में बेसिकली दिया हुआ है, लेकिन अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। और फिर मैं वही कहूंगी, व्याख्या हम अपने रूप से कर रहे हैं, आप इसे कई गुना बेहतर व्याख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि इसकी व्याख्या देखिए। और मनोविकार, अब मनोविकार का मतलब क्या होता है, सिर्फ विकार आना मतलब कि कुछ परिवर्तन आना, तो इसलिए मनोविकार अर्थात कि मन में जो परिवर्तन आते हैं, मन में जो भाव आते हैं। मनुष्य का मन अगणित भावों जैसे प्रेम, भय, क्रोध, ईर्ष्या, भक्ति आदि से भरा रहता है, जो समय समय पर मन में आते जाते रहते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। अब क्या है कि जैसे ये मनोविकार है ना, तो स्टार्टिंग हमने थोड़ी वैसी की, चाहे सिर्फ एक पंक्ति में ही सही, लेकिन कहते हैं ना कि एक स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको एक आधार रखना होता है, आधारशिला रखनी होती है, प्रस्तावना रखनी होती है, तो थोड़ा सा वो एक बेस बना रहे हैं कि मनुष्य का मन अगणित भावों जैसे प्रेम, भय, क्रोध, ईर्ष्या, भक्ति आदि से भरा रहता है, जो समय समय पर मन में आते जाते रहते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। मन पर पड़ा हर प्रभाव मनुष्य के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है।
क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। आप शारीरिक रूप से कितने भी प्रबल क्यों ना हो, कितने भी मजबूत क्यों ना हो, यदि आपका मन कमजोर पड़ गया फिर मतलब आपकी समझदारी वगैरह सब कुछ चली जाती है। मन जितना वो सुदृढ़ होगा, ठीक है ना, मन जितना पक्का होगा उतनी ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने मतलब जो मन है उस पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, मतलब मन का एक वो महत्व बताया कितना बड़ा महत्व है। अब जो मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं कि सही प्रभाव मनुष्य में प्रसन्नता, संतोष और सकारात्मकता का संचार करता है, तो बुरा प्रभाव जीवन में नकारात्मकता भरकर उसे गलत मार्ग की ओर ले जाता है। ऐसा ही एक प्रबल मनोविकार है क्रोध। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे नहीं कि हमने स्टार्टिंग से ही क्रोध के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, हमने छोटी सी एक भूमिका बनाई। फिर यह अग्नि की भांति बहुत शीघ्रता से मन में उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता को हर लेता है और मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। ये सत्य है। क्रोध में मनुष्य न चाहते हुए भी अनेक गलत कार्य कर जाता है, जिसके बाद उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्रोध में मनुष्य केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नाश कर देता है। जिस प्रकार अग्नि एक जगह नहीं रुकती और फैलती जाती है, विनाश करती जाती है, उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति स्वयं गलत कार्य कर दूसरों को अपशब्द बोलकर उनमें भी अपने और समाज के प्रति रोष उत्पन्न करता है, जिसके चलते वे भी प्रतिकार लेना चाहते हैं और गलत कार्यों में लग जाते हैं। ठीक है ना, तो किस प्रकार से आपने जो वो एक दो पंक्तियों में दिया गया था उसको पूरा डिटेल में मतलब एक्सप्लेन किया है तर्क के साथ, वास्तविक उदाहरणों के साथ। इस तरह क्रोध हर ओर फैलकर मानवता, प्रेम और शांति को नष्ट कर देता है। ठीक है ना, और ये सब चीज़ें कि जो क्रोध है वो मानवता, प्रेम, शांति को नष्ट कर देता है, ये सब हम भूमिका क्यों मना रहे हैं? जो अंतिम पंक्ति थी कि वो जो धर्म, नीति और शिष्टाचार, वो कैसे क्रोध से जुड़े हुए हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि जो अंतिम पंक्ति है बस उसके बारे में एंड में ही लिखना है। पूरे गद्यांश को पढ़िए और किस तरह वो इंटरलिंक्ड है, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, उसको करके मतलब उसको सोच के ही आपको व्याख्या लिखनी है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस क्रोध को सही रूप से लेते हैं, उसके पीछे का कारण समझने का प्रयास करते हैं, उस पर नियंत्रण कर विवेक से काम लेकर अपने और दूसरों के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए उचित कदम उठाते हैं। जैसे यदि उनकी गलती हो तो वे उसे स्वीकार कर क्षमा मांगते हैं और यदि दूसरा अकारण क्रोध कर रहा हो तो उसे समझाने का और शांत करने का प्रयास करते हैं। विवेक का प्रयोग कर उचित अनुचित समझकर इस क्रोध को वश में करने का प्रयास और कला ही वास्तव में धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों ही के अनुसार इस क्रोध को समाप्त करने या मिटाने का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कि उस क्रोध को अच्छे से समझना और उस पर नियंत्रण कर पाना, उसे संतुलित कर पाना कि किस प्रकार आप उसे मतलब कंट्रोल में ला पाएं, ठीक है ना, यही आपके धर्म, नीति और शिष्टाचार को मतलब के आधार पर ये सभी क्या सिखाते हैं। धर्म क्या सिखाता है कि क्रोध कब करना है कब नहीं करना। अब जैसे धर्म अगर हम कहें, नीति कहें, तो जो भीष्म पितामह थे उन्हें सही समय पर क्रोध करना चाहिए था। जब दुर्योधन अनुचित कार्य कर रहा था तब भीष्म पितामह को अपना धर्म भूल करके, भाई ये तो मेरा धर्म है कि मैं मतलब जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शासन के प्रति कभी बोलूंगा नहीं, उसका समर्थन करूंगा, तो मैं बिल्कुल मौन रहूंगा, उसे धर्म नहीं कहते। धर्म कहा जाता है कि सही समय पर सही कार्य करना। शिष्टाचार क्या होता है कि यदि आपके सामने किसी भी व्यक्ति, केवल महिला नहीं किसी पुरुष की भी, अगर किसी का अपमान किया जा रहा है तो उसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाना। तो इसलिए क्रोध आपको कब करना है कब नहीं करना, ठीक है ना, उस पर संतुलन कैसे पाना है, उसे कब वश में करना है, कब उसे प्रकट करना है, ठीक है ना, उसका सही प्रयोग कि उसे वश में करने का प्रयास और कला, ठीक है ना, वही वास्तव में धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों ही के अनुसार इस क्रोध को समाप्त करने या मिटाने का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो ये इसकी व्याख्या थी। आप समय रहते इससे थोड़ी बड़ी व्याख्या भी लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इतनी तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है ना, ये तो मिनिमम है कि इतनी तो लिखनी ही लिखनी है आपको व्याख्या, क्योंकि 5 मार्क्स की आती है, कोई कम मार्क्स की नहीं आती है। तो आई गेस इस व्याख्या से आपको थोड़ा लाभ होगा। और अंत में आते हैं हम निबंध लेखन पर, और जैसे कि मतलब थोड़ा करंट अफेयर्स पर ही हम लिखें तो बेहतर है। वैसे तो आई गेस आप इतनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो GST वगैरह के बारे में काफ़ी आपको नॉलेज होगी ही होगी, लेकिन फिर भी जैसे कभी कभी होता है ना कि GST के बारे में हमें नॉलेज तो बहुत है, लेकिन हिंदी शब्दावली का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, तो उससे संबंधित एक निबंध हम उस विषय पर लेकर आए हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और कोई आपको रटने के लिए नहीं कह रहा, ये निबंध लेखन मैं केवल इसलिए लाई हूँ, परीक्षा में हो सकता है संभव हो, ठीक है ना,
तो जैसे एक राष्ट्र एक कर GST, उस पर एक निबंध है जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, आपकी मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए है। तो अब ये मैं पढ़ूंगी, इसे आप भी अच्छे से मतलब पढ़िएगा कि इसमें से कौन कौन से बिंदु आप ले सकते हैं, क्योंकि पेपर में, याद रखिए, इस पेपर में यहाँ पे शब्द सीमा दी है कि 300 शब्दों में लिखिए। तो हो सकता है कि जो हमने यहाँ पे निबंध लिखा है वो देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन 300-350 शब्दों का है, और बाई चांस आपको लगे कि ज़्यादा शब्द हैं, थोड़े से बीच में काट लीजिए, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उसे हटा दीजिए। लेकिन एक इस निबंध के माध्यम से इस विषय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जो आपके लिए मतलब कि लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निबंध कि एक राष्ट्र एक कर GST। भारत में कर व्यवस्था, अब कर के, जैसे कर एक क्रिया भी होती है, कर का मतलब हाथ भी होता है, तो कर के साथ हमने ब्रैकेट में टैक्स लिख दिया। भारत में कर व्यवस्था की जड़ें बहुत पुरानी हैं। टैक्स अथवा कर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति और चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में भी मिलता है। तो देखिए, यहाँ हम ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बाई चांस अगर आपको कोई और मतलब निबंध आ जाए, ज़रूरी नहीं GST पर ही आए, मैं कहती हूँ कि कर व्यवस्था कितनी उचित कितनी अनुचित कुछ ऐसा आ जाए, तो भी आपको मतलब ये जो फैक्ट्स हैं, कुछ हिंदी साहित्य से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, अगर आप ये निबंध में लिखेंगे ना तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे सरकारी व्यवस्थाओं पर आ जाए, तो सरकारी व्यवस्थाओं में तो कर भी है एक प्रणाली, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मतलब प्रणालियां हैं, ठीक है ना, ये अभी से नहीं, प्राचीन भारत की देन है, ये प्राचीन भारत की, ये तो हमारी संस्कृति में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं। तो वहाँ पर आप ये उल्लेख कर सकते हैं कि जो ये टैक्स या जो कर व्यवस्था है वो कहाँ कहाँ पर थी साहित्य में, प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति और चाणक्य रचित, जो चाणक्य थे वो तो सबसे बड़े मतलब कहते हैं ना कि, तो अर्थशास्त्र में भी मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख है कि कर प्रणाली का अंतिम उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण होना चाहिए। कर का उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक समाज कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी यही है। इसी उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, जो भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? वैसे जैसा आप सभी जानते ही हैं, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे इनकम टैक्स की मतलब टैक्स उसी पर लग रहा है जो मतलब इनकम मतलब जिसकी इनकम है उसी पर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जैसे जो माल बना रही हैं कंपनीज, ठीक है ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि पैसा वो कमा रही हैं, लेकिन GST भर कौन रहा है? हम भर रहे हैं जो सामान खरीद रहे हैं, जबकि हम बना नहीं रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। माल एवं सेवा कर, जो भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, मतलब इस कर को 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश के भूभाग पर लागू की गई थी। इसी के साथ राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार एक वास्तविकता के रूप में सामने आया। GST का विचार 1920 के दशक में जर्मनी के एक व्यवसायी विल्हेम वॉन सीमेंस द्वारा दिया गया था। तो ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं। आज संसार के 160 से अधिक देशों ने इस कर प्रणाली को अपना लिया है। तो ये देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माल एवं सेवा कर, ठीक है ना, इसका शुभारंभ 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में किया गया। अब जैसे बाई चांस आपको लगे कि आपके पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, तो आप ये सब ना लिख कर ये डेट याद रख सकते हैं, 30 जून 2017, ठीक है ना, इतना भी लिख सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अधिकांश गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण दिसंबर 2002 में शुरू हुई लंबी यात्रा की सुखद परिणति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST को अच्छा एवं सरल टैक्स बताया। अब ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं कि बाई चांस आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है तो आप ये भी डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के समय सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर राष्ट्र का एकीकरण किया था। उसी प्रकार GST के द्वारा देश का आर्थिक एकीकरण हो रहा है। कि कैसे, मतलब एक और साहित्यिक जानकारी मतलब यहाँ पे दी, राष्ट्रीय जानकारी, कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को जोड़कर राष्ट्र का एकीकरण किया था, ये देश का आर्थिक एकीकरण है। अब राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक एक टैक्स एक कर का नारा गूंजेगा। मतलब कि ये पश्चिम से पूरब, किस प्रकार से पूरब से पश्चिम। फिर देखिए, तो ये जो बीच वाली जानकारी थी इसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। अब देश की स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 14 टैक्सों को कितने टैक्स थे, इतने सारे टैक्स को खत्म करके, ठीक है ना, एक टैक्स बनाया गया
कि 14 टैक्सों को समाप्त कर एक टैक्स जीएसटी में बदल दिया गया है। इसके लागू होने से अब किसी भी सामान की देश भर में समान कीमत होगी। इससे उद्योग, सरकार और ग्राहक सभी को लाभ होगा। इससे सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी तीव्रता प्राप्त होगी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, आसान कर का अनुपालन, घर परिवार के लिए वरदान, एक सशक्त आर्थिक भारत का निर्माण, सरल कर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक एवं व्यापार और उद्योग के लिए लाभप्रद। जीएसटी की कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में इस एकल व्यवस्था से कमी आएगी। जीएसटी को वस्तुवर 4 श्रेणियों में रखा गया है। निम्न और मध्यम वर्ग के इस्तेमाल की अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी की दर 0 रखी गई है। जो सबसे लोअर कैटेगरी की मतलब यूज़ करने वाली चीज़ें जो बेसिक हैं पर जो जीएसटी की दर है वो 0 है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे खुला खाद्य अनाज, ताज़ी सब्जियां, आटा, दूध, अंडा, नमक, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को कर मुक्त किया गया है। कि जो आपकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज़ जो हैं उन्हें कर से दूर रखा गया है। अब ये जो हैं चीज़ें, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं निबंध में। चीनी, चाय पत्ती, खाद्य तेल, घरेलू, LPG आदि पर 5% GST लगेगा। मक्खन और सब्जी, फलों से निर्मित खाद्य पदार्थ, मोबाइल आदि पर 12% GST लगाया जाएगा। केश तेल, जो आपके बालों में लगाने वाला तेल है, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि पर 18% GST लगाया जाएगा। विलासिता मतलब जो ऐसे एंटरटेनमेंट वाली थोड़ी लग्जूरियस आइटम्स, उन वाली कुछ विशेष वस्तुओं के साथ ही कुछ अन्य वस्तुओं पर 28% की सर्वाधिक दर लागू की गई है। तो सर्वाधिक दर कितनी है जीएसटी की? 28%। इस श्रेणी की वस्तुओं पर 5 वर्षों तक उपकर भी लागू रहेगा, उपकर सब टैक्स, ताकि जीएसटी को लागू करने से राज्यों को होने वाली किसी तरह के राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके। कि बाई चांस अगर कोई नुकसान ये हो रहा हो जीएसटी के कारण कि पहले इनकम ज़्यादा थी क्योंकि 14-14 टैक्स थे, अब 1 कर हो गया, तो जो नुकसान है सिर्फ 5 वर्षों तक के लिए है। ये लगभग 81% वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18% या इससे कम है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जीएसटी, जैसे सेंट्रल जीएसटी लागू किया गया है, जबकि राज्यों द्वारा राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी लगाया गया है। विधायिका वाले केंद्र प्रशासित प्रदेशों में भी राज्य जीएसटी लागू होगा। बिना विधायिका वाले केंद्र प्रशासित प्रदेशों में केंद्र प्रशासित प्रदेश जीएसटी, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी जीएसटी लागू होगा। ये अंतर्राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी लगाया गया है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जीएसटी में शामिल केंद्रीय कर हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर और अधिभार, जैसे एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भी होते हैं उसमें। तो और जीएसटी में शामिल राज्य कर हैं जो स्टेट टैक्स, और कौन कौन से हैं? राज्य वैट, बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विज्ञापनों, लॉटरियों, सट्टे और जुए पर कर। जैसे आपने देखा होगा कि वो एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा होता है, ठीक है ना, या सर्विस टैक्स वगैरह मतलब अलग से लग रहा होता है, तो ये सब वो है। कि उसमें और क्या क्या है, तो ये निबंध बेसिकली इसीलिए है कि हिंदी की जो शब्दावली है उसमें आपको पता चले जीएसटी पर आप और क्या क्या लिख सकते हैं। जीएसटी की इस एकल प्रणाली के बहुआयामी लाभ हैं। इस प्रणाली के लागू होने पर एकीकृत समान राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो सकेगा, जिससे विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को गति प्राप्त होगी। देश के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, साथ ही इससे आम जनता पर करों का बोझ कम होगा। IGST और SGST, ठीक है ना, जो आपका राज्य का था स्टेट वाला और इंटरनेशनल, ये समान होने के कारण अंतर्राज्य कर चोरी की घटनाएं समाप्त प्राय हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। कंपनियों का औसत कर भाग घटेगा तो वस्तुओं की कीमत भी घटेगी और उपभोग बढ़ेगा, कि आपकी जो कंजप्शन है, ठीक है ना, वो बढ़ेगी। इससे भारत एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। कानूनी प्रक्रियाओं और कर दरों में एक रूपता आएगी। इस प्रकार यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि जीएसटी हर परिवार के लिए, ठीक है ना, और ये सौगात लेकर आएगा और राष्ट्रीय आर्थिक रूप से अधिक सबल और प्रतिगामी होकर उभरेगा। शुरुआत में इसे लागू करने के दौरान कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन एक देश एक टैक्स प्रणाली देश के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इस सरल कर प्रणाली से व्यापार जगत को भी हित होगा। वास्तव में जीएसटी का प्रभाव देश की सीमाओं से परे भी दिखेगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखेगा।
विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत संबंधित देश इसका लाभ उठा सकते हैं कि वे अपने यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं को अप्रत्यक्ष करों में रियायत देकर उनके द्वारा आयात द्वारा संबंध स्थापित करेंगे। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये नियम निर्धारित किए गए हैं। देश के विकास की दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विलासिता की महंगी वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर इस कर ढांचे को प्रगतिशील रूप दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है इस विषय पर निबंध लिखेंगे। तो चलिए, आज हमने आपके साथ कुछ व्याकरण के प्रश्न जो है डिस्कस किए, एक गद्यांश की व्याख्या डिस्कस की और एक निबंध आपके साथ डिस्कस किया। तो मैं आशा करती हूँ कि छोटा सा जो वीडियो था ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल, ठीक है ना, होगा, क्योंकि इसमें एक जो बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उस पर ही हमने निबंध जो है लेकर आए हैं। गद्यांश की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है और व्याकरण के विषय तो डेफिनेटली। तो मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।